आज मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। शादी तो आपके यार की भी होगी। हाँ भाई, शादी का सीजन जो है, खूब इनविटेशंस आए भी होंगे और आपने बांटे भी होंगे। शादी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इस इनविटेशन कार्ड का क्या करोगे? फ्रेम करा के दीवार पर टांगोगे? अरे नहीं रे भाई, फाइल में लगा के रखेंगे या फिर तिजोरी में रखोगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग शादी के कार्ड को कूड़े में ही फेंकोगे। अब शादी के कार्ड पर भगवान की फोटो लगाने से उनकी कृपा मिले या ना मिले ये तो पता नहीं, लेकिन उन्हें फेंक देने से पाप जरूर मिलेगा। शादी के इस सीजन में खुद भी याद रखें और दूसरों को भी याद दिलाएं। जब हम करेंगे अपने भगवान का सम्मान, तब भी यीशु करेगा उन्हें प्रणाम। आप सबको राम राम। अभी जो आपने हमारे मिशन की एक वीडियो देखी, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मिशन को ज्वाइन कीजिए। उस पर फोन नंबर भी था। उस मिशन को ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भक्त समाज को यह ध्यान ही नहीं रहता कि कब अपने भगवान का वह अपमान कर बैठते हैं जाने अनजाने। यदि आप पोस्टर में, प्रतिमा में, चित्र में भगवान को देखते हैं, तो फिर ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं चित्र खराब जगह फेंकने से, प्रतिमा खराब जगह फेंकने से भगवान का अपमान होता है। इस मिशन को ज्वाइन कीजिए, लोगों को आप बताइए, लोग जरूर समझेंगे। पूरे देश भर में इस मिशन को, इस कैंपेन को बहुत लोगों ने प्यार दिया है, और कई लोगों ने कहा है कि हम आइंदा से अपने डिब्बों पर, मिठाई के डिब्बों पर, पटाखों के डिब्बों पर, जो उन्होंने कहा वो किया भी, भगवान का चित्र नहीं छापेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आश्रम के बहुत सारे ऐसे सकारात्मक कार्य होते हैं, उसमें आप जरूर भागीदारी रखा कीजिएगा अपनी। आज हम बात करेंगे विवाह की। सबको विवाह नहीं फलता, और आजकल जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लाखों रुपए लगते हैं विवाह में, विवाह हो जाता है और कुछ समय के बाद उस विवाह में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं, दोनों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, या परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं, लेकिन दोनों के झगड़े धीरे 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 ऐसी कगार पर पहुंच जाते हैं, ऐसी कगार पर पहुंच जाते हैं जहां से वो पीछे नहीं आ पाते, और अल्टीमेटली डिवोर्स हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका डिवोर्स तो नहीं होता, लेकिन जीवन साथी नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं जॉब करते हैं, दूसरा कहीं जॉब करता है, दोनों का मिलना जुलना भी नहीं होता, बस फोन से ही बातचीत होती है या वीडियो कॉल से बातचीत होती रहती है। यह भी ठीक नहीं है। जो तीसरी सिचुएशन है, तो मजबूरी है। चलिए मान लीजिए दोनों बच्चे अफसर लगे हुए हैं, तो एक का पोस्टिंग कहीं होगा, दूसरे का पोस्टिंग कहीं होगा, तो वह सब तो अलग बात है, लेकिन हमें ये पहली और दूसरी सिचुएशन को समझना होगा। कुछ लोगों को विवाह क्यों नहीं फलता? देखिए, मंगल, शनि, राहु, सूर्य भी ये आसानी से विवाह को फलने नहीं देते हैं। तो जिन भी लोगों का संपर्क दूसरे या सातवें भाव से होगा या आठवें भाव से होगा, वहां विवाह नहीं फलेगा। तो ये जो ग्रह हैं, इनकी शांति, इनके उपाय आप जरूर करिए और खुद कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा उपाय तो क्या है? आपसी बातचीत। आपसी बातचीत कभी बंद मत कीजिएगा। कुछ लोगों में होती है ये समस्या कि वह बोलना ही छोड़ देते हैं। जब बोलना ही बंद हो गया,
जब दोनों पीठ घुमा के खड़े हो गए तो फिर कहीं भी कोई पॉइंट ऑफ नो मीटिंग हो जाएगा और विवाह धीरे धीरे डिवोर्स की तरफ बढ़ता जाएगा। सोचिए, लाखों रुपए लग गए, रिजल्ट क्या निकला? परिस्थिति बदल चुकी है और इन बदली हुई परिस्थितियों में जो ग्रहों के परिणाम हैं वो भी बदले हुए फल देते हैं और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं भी स्वीकार करना चाहेंगे तब वक्त करा देगा। तो ये जो मैंने आपको भाव बताए, इसमें जो आपको ग्रह बताए, इसके प्रभाव तो होंगे लड़ाई झगड़ा। देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा और वो ये, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, किसी को 18 महीने, किसी को 24 महीने, किसी को 36 महीने, इतने समय थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस रखने का मतलब है टोका टाकी मत कीजिए, आप अपना मुस्कुराते हुए काम कीजिए और लोगों का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। और अपने ग्रह यदि विवाह के खराब हैं तो विवाह नहीं पलेगा। तो ये मान के चलिए कि अपने ही ग्रह खराब है, इसलिए हमें कोशिशें और ज्यादा करनी है, उपाय और ज्यादा करना। और सबसे बड़ा उपाय है अपना व्यवहार, चुप रहना सीखना होगा। यदि चुप रहना नहीं सीखेंगे, हम हर वक्त लड़ेंगे, हर वक्त टोका टाकी करेंगे, हर वक्त अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 उस घर के बड़े लोग चढ़ने लगते हैं, वो कुछ कुछ बोलने लगते हैं और फिर वो आपके पति या पत्नी को भी कहने लग जाते हैं। और उसके बाद मनुष्य ही तो हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। और आजकल पेरेंट्स, बेटा बेटी दोनों को ही मैं कह रहा हूँ, वह लड़ना सिखा रहे हैं, सामंजस्य स्थापित करना नहीं सिखा रहे। देखिए, एकदम मत लड़ने दीजिए, धीरे धीरे उनको लाइए ट्रैक पर, सामंजस्य स्थापित करवाइए। अल्टीमेट सिचुएशन अगर हो जाए, बहुत नेगेटिव हो ही जाए, तब तो अलग बात है, बेटी की सिक्योरिटी कीजिए या बेटी की सिक्योरिटी कीजिए, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि ये जुड़ के चले, क्योंकि परिवार एक ऐसा स्तंभ है जो अगर बेहतर है तो व्यक्ति, व्यक्ति का भविष्य, व्यक्ति के रिश्ते नाते और समाज राष्ट्र भी बहुत ताकतवर होगा। और अगर ये स्तंभ उखड़ गया या घर परिवार टूटने लगे तो व्यक्ति की भी जिंदगी एक फ्लोटिंग फ्लावर्स की तरह से हो जाएगी। एक कहावत भी है ना, रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, ऐसी स्थिति बन जाती है और वो धीरे 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 इस दुनिया समाज से अलग होते चले जाते हैं। अब ठीक है, सब लोग एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, लेकिन समझ में तो आता है जब हम अपने जीवन साथी से हट कट जाते हैं तो ये परेशानियां क्या होती हैं। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा 18 महीने चुप रहो। चुप रहने का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि अत्याचार सा हो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि टोका टाकी भी मत करो। हमारे यहां तो ऐसे होता है, क्या जरूरत, इससे क्या नतीजा निकल जाएगा। तो खुशी का माहौल बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए साहब, जिसके ग्रह खराब होते हैं प्रयत्न तो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में रोएंगे, बाद में परेशान होंगे। दूसरा उपाय, सूर्य को जल देना नियमित रूप से दीजिए। और जो जल देंगे आप, तांबे के बर्तन में देंगे और उसमें थोड़े से चावल रोली जरूर डालेंगे और शक्कर, चीनी नहीं, शक्कर, ये उसमें डालकर और आप ओम खम ब्रह्म, ठीक है, ये मंत्र का जप करते हुए जल दीजिए, चीजें ठीक होंगी। तीसरा उपाय है पितृदोष निवारण। पितृदोष यदि घर में है तो किसी भी हालत में आप सफल नहीं होंगे। और इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूं, और लेकिन लोग नहीं सुनते, समझते, क्योंकि वो मेंटल सिकनेस ऐसी होती है कि वो सामने आई जाती है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, बचना है ना, ईर्ष्या निंदा करना छोड़ो, भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाने छोड़ो,
अपने धर्मशास्त्र, अपने आचार्य, अपने मंदिर मठ आदि का ध्यान रखो, अनर्गल बातें मत कहो, नहीं बचोगे, लिख के रखो ना। बहुत संकट आएंगे, बहुत परेशानियां होंगी। उसके बाद गौ माता पे अत्याचार मत करो, संकट और परेशानियों से नहीं बच सकते। गौ माता पे अत्याचार मत करो, बड़े बुजुर्गों पे अत्याचार मत करो, झूठ मत बोलो, इधर का उधर करके किसी व्यक्ति का या घर के बुजुर्ग का, शिक्षक का, गुरु का मान मर्दन मत करो। पितृदोष पनपता है वो उसी जन्म है, इसके लिए अगले जन्म का प्रतीक्षा नहीं कर रही, उसी जन्म में आपको परेशान करेगा, उसी जन्म में आपको आराम से नहीं रहने देगा। संतान आदि की तो समस्याएं होंगी, मैं तो ये सैकड़ों बार बता ही चुका हूं पिछले 15-16 सालों में, लेकिन इसके अलावा मानसिक शांति और एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के साथ रहने की रहने का संयोग, ये सब खत्म होने लगेगा। बच्चे परेशान होंगे, अगर हुए तो बच्चे, तो बच्चे भी बहुत परेशान होंगे। तीसरा उपाय लिखिए, महीने में एक बार किसी अमावस्या को अथवा शनिवार को कुछ रोगियों को भोजन कराइए। ये वो लोग की बात कर रहा हूं जिनके नसीब में वो ग्रह योग लिखे हैं जो मैंने बताए, जिसकी वजह से विवाह आपका फलदायी सिद्ध नहीं होगा। तो अमावस्या वाले दिन अथवा शनिवार वाले दिन आप दान करेंगे उड़द का, तेल का, और बहुत प्रेम से दान करेंगे, और इसके साथ साथ छाते का दान कर दें, कुछ धन भी दे दें, सब्जियों का दान करते हैं जो लोग, उनको यह संकट परेशानियां कम होती हैं, उतर जाती हैं। अब पूरी तरह ठीक होती है नहीं ये तो भगवती जाने, लेकिन काफी हद तक ये ठीक होती हैं इन उपायों से। अगली बात जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। 5 बादाम बहते हुए पानी में जरूर प्रवाहित कर दें, ऐसे लोग जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत संकट हैं, परेशानियां हैं, या डिवोर्स हो चुका है लेकिन दोबारा विवाह नहीं हो रहा, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगला उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बच्चे जिनकी कुंडली में ये जो उपाय मैंने बताया, ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई ये हैं, तो ये लोग बांस में शक्कर भर के किसी निर्जन स्थान पर हर मंगलवार लंबे समय तक करना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक करना पड़ेगा, हर मंगलवार यह कार्य जरूर कर दे, इसे निर्जन स्थान में जाकर दबा दिया करें। छोटा सा बांस ले लीजिए, बांसुरी ले लीजिए, उसमें यह खंड वगैरह भर के आप कर दीजिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, छत कभी गंदी मत रखिएगा। एक उपाय मैं और कहना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको आपको करना पड़ेगा, अगर कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है तो आपको करना पड़ेगा। काले कुत्ते की सेवा कर लिया कीजिए, विवाह में कोई भी दिक्कतें अगर आ रही हैं तो काले कुत्ते की सेवा कर लिया कीजिए। उसके साथ साथ पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधें, या फिर गाय गुरु मंदिर की सेवा किया करें। तो ये छोटे से उपाय हैं, ये यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा और बहुत खराब हालात में भी कुछ सुधार नजर आएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अब तक तो भूल चुके होंगे पिछले 10 मिनट में ही कि व्यवहार ठीक करना है। देखिए, शनि, केतु और राहु ये आपकी जबान पर बैठेंगे तो आप ना चाहते हुए भी हमेशा दूसरों को इंटरेक्शन कर इंस्ट्रक्शंस देते रहोगे, इरिटेट हो जाते हैं लोग आपसे। ये याद रखिएगा, कोई भी परेशानी होगी या पैदा करेंगे तो बहुत लंबे समय तक टॉलरेट नहीं होगी, कभी ना कभी रिएक्शन झेलना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, शुरू में जी 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 करके दिल जीतने की कोशिश कीजिए, फिर अपने आप चीजें ठीक हो जाती हैं। एक बार आपने दिल जीत लिया, अब विश्वास एक बार जीत लिया, तो चीजें ठीक हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो युग है यहां विश्वास बहुत मुश्किल है, तो इसे लड़की वाले भी समझें, लड़के वाले भी समझें, दोनों को ही समझने की जरूरत है, क्योंकि गाड़ी के ये दोनों पहिए हैं। तो विश्वास कम हो चला है, देखते हैं हम आसपास में क्या क्या हो रहा है, उसकी वजह से भी विश्वास कम हो रहा है। तो विश्वास बनाने की कोशिश करनी पड़ेंगी और सबको मिलजुल के करनी पड़ेगी, लेकिन जिसकी कुंडली में ज्यादा बुरे योग हैं उन्हें ज्यादा करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से हथेलियों से छोटी उंगलियां जिनकी हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखकर चलना पड़ेगा और अपने व्यवहार को ठीक रखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं। मैं आपके क्वेश्चंस भी ले रहा हूं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस रास्ते पर चलें। और बेटियों से भी मैं कहूँगा कि जब आप ससुराल जाएं तो घड़ी घड़ी हर चीज़ मम्मी को फ़ोन करके मत बताइए, वो दूर हैं, तो वो दूर होने की वजह से अर्थ का अनर्थ समझ लेंगी और उससे उनको पता नहीं क्या डिसीजन वो ले लें, क्या सोच लें और आपको क्या डिसीजन दे दें और आप रिएक्शन में उसको अपने ससुराल में करना शुरू कर दें और उसके नतीजे बहुत ख़राब आने शुरू हो जाएं। जब नतीजे ख़राब आते हैं तो माता पिता कहते हैं चल बेटी तेरे घर में कुछ खाने पीने की कमी है क्या, चल। देखिए पेरेंट्स आज हैं कल नहीं होंगे, जब नहीं होंगे तब क्या होगा उस बच्ची का। तो इसलिए ट्रेनेबिलिटी सिखाइए बिटिया को भी और बेटों को भी ट्रेनेबल बनाइए। नौकरी दोनों करके आते हैं, एक टांग पर टांग रख के बैठ जाता टीवी देखता है, उसका भी फर्ज है कि वह अपनी पत्नी अपने जीवन संगनी के साथ काम में हाथ बटाइए, ट्रेनिंग करिए। और साथ ही साथ छोटी छोटी बातें मत सुनिए बच्चों की, ठीक है बेटे ठीक है अपने से सेटल करो, ऐसे ही करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, तब कहीं जाकर गृहस्थी की गाड़ी सजती है और अच्छे से चलती है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। एक क्वेश्चन है, माय हस्बैंड गॉट मर्टायर्ड इन मार्च 2016, प्रणाम करता हूं उनको भी और आपको भी। वॉज मैरिड इन नवंबर 2010, डेट ऑफ बर्थ दिए इन्होंने। आई फील सो अलोन, आई फील लाइक टू हैव पार्टनर एंड फादर फॉर माई सन, इज दिस पॉसिबल टू रीमैरी, काइंडली गिव मी द सजेशन। वीरगति को प्राप्त हुए हैं इनके पति, मैं देखता हूँ जरूर प्रभु जी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। देखिए मैं अभी आपसे कह रहा था कि इस प्रकार की सिचुएशन भी सामने आती है, तो देखिए यहीं पर आपने देखा। और निश्चित रूप से जो मैं चीज़ें बता रहा था वही होंगी भी। और देखिए वही एग्जैक्ट सिचुएशन है, दूसरा भाव ठीक नहीं है, सप्तम का स्वामी शनि के साथ है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, भाव में भी नहीं ठीक हुआ और अष्टम भाव में केतु है। विवाह का सुख आपके जीवन में नहीं है, अपने कदम सीमित रखिएगा, भटकिएगा बिल्कुल नहीं। विवाह का सुख नहीं है मतलब नहीं है, मैं थोड़ा स्पष्ट बोल देता हूँ, मैं आपको डायलेमास में नहीं रखूँगा,
बाकी आप जो उपाय मैंने बताए हैं ये करना शुरू कीजिए, वर्ष भर के भीतर अगर प्रभु की कोई इच्छा होगी तो ज़रूर ऐसा होगा कि आपको कोई साथी मिल जाए, उपयुक्त साथी मिल जाए। तो आप अपने से कुछ ढूंढने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ उपाय करें। और ये बात मेरी ग्रह लगा लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और वो वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ज़्यादा बड़ी होंगी। भरत जी का क्वेश्चन है, राम राम गुरु जी, राम राम, कमेंड मी द देश ऑफ माई लाइफ। गुरु जी हम आज अहमदाबाद में नया घर ले रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम घर में सुख शांति से रहें। बहुत सुखी रहिए, बहुत सुखी रहिए, बहुत सुखी रहिए। गौ सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए, ठीक है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीवन की अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब मेरी बात को सीरियसली लेते ही हैं आप, आपका पत्र पढ़ के ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप ये काम कीजिए और प्रभु जी सब ठीक करेंगे। साथ ही साथ एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में ज़रूर धारण कीजिएगा जो बीच में से खुला हुआ हो। स्मृति आहूजा जी, राम राम गुरु जी, फिर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, मेरी लाइफ के पर्पस क्या है एंड जीवन में शांति कैसे रहे। सब कुछ ईश्वर को सौंप दीजिए, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को सौंप दीजिए। प्रतिदिन ध्यान स्मरण और नाम जप कीजिए उनका, शांति उसी से मिलेगी। अपना दिमाग मत लगाइए, सब ईश्वर पर सौंप दीजिए और सिर्फ अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए, परिणाम जो हो सो देखा जाएगा, भगवती जो चाहे सो होगा। ठीक, रही बात आपके जीवन के उद्देश्य की, तो आपको पढ़ाना है तो निकल पड़िए गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपके जीवन का उद्देश्य भी पूरा होगा और जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा तो आपको अच्छा लगेगा। बैसाखी पॉल जी, अच्छा इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, बैसाखी पॉल जी का, इन्होंने ऋषि कुलशाला के लिए डोनेट किया है। थैंक यू सो मच बैसाखी जी, प्रभु आपको बहुत खुश रखे, बहुत सुख दे। स्मृति जी कहती हैं, हाँ स्मृति जी का तो क्वेश्चन मैंने ले ही लिया है, वही रिपीट किया है इन्होंने क्वेश्चन। स्वाति जी, आपको और आपके माता पिता गुरु जी को प्रणाम। खुश रहो बेटे, बहुत बहुत कामयाबी आपको मिले, सुख मिले। मिराकल मिठू नाम है इनका। राम राम गुरु जी, दिस इज डेट ऑफ बर्थ, गुजरात में इनका जन्म होता है। मेरी लाइफ में डिवोर्स के योग बन रहे हैं, 10 मंथ्स की बच्ची है जी। जो उपाय मैंने बताए हैं ये कीजिए और एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में सैटरडे को ज़रूर पहन लीजिएगा, ठीक है, ये ज़रूर कर लीजिएगा काम। और थोड़ा सा मॉडरेट होके रहिए, शांत रहिए, ठीक है। यशवी जी लिखती हैं, राम राम गुरु जी, ये भेंट ऋषि कुलशाला के लिए है। ऋषि कुलशाला के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, नहीं तो आप फेसबुक पे जाकर देख सकते हैं। ऋषि कुलशाला की भी अपनी फेसबुक है कि 2200 से भी ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं वो वहाँ पढ़ते हैं, लोग वॉलेंट्री
उनको पढ़ाते हैं या उनकी मदद करते हैं, किसी भी रूप में करें वो मदद करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को प्रणाम भी करता हूं और आप सबसे मैं अपेक्षा भी करता हूं कि आप ऋषिकुल शाला का पेज देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस प्रकार से समाज सेवा हमें करनी चाहिए या इस प्रकार से भी समाज सेवा हो सकती है। तो ऋषिकुल शाला के लिए भेज दी है। मेरा अभी जो रिलेशनशिप है उसे शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या करें? अब आपने मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उपयुक्त उपाय बताऊं, क्योंकि एज सच तो मुझे कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि ये मैरिज में परिणत हो पाएगा। फिर भी प्रयत्न करके देखते हैं कि अगर कोई उपाय से ये संभव हो सकेगा तो। लेकिन अल्टीमेटली वही चीज़ें आ रही हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वही चीज़ें आएंगी और सबके सामने आएंगी। पर समस्या ये है, लोग मानते नहीं हैं, सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। देखिए यहाँ वही समस्या है, केतु मंगल राहु आमने सामने और चंद्रमा भी खराब स्थिति में है। यदि भी भाव में बदल गया है तो कुछ बेहतर तो हुई है। बेटे यहाँ विवाह के लिए अब बहुत कोशिश मत करिए, ठीक है? भगवती शायद नहीं चाहती, ऐसा सोच लीजिए, और आपके नहीं चाहते ऐसा सोच लीजिए। और यहाँ विवाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रतरत मत रहिए, मुझे कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक? मोनिता दुबे जी, राम राम गुरु जी, चरण स्पर्श, खुश रहो बेटे। ऋषिक, गवर्नमेंट जॉब और प्रमोशन बिल्कुल होगा, आप निश्चिंत रहिए। अगले वर्ष योग बन रहे हैं, उसके बाद 25 में भी योग बने हुए हैं, 26 में भी बने हुए हैं। तो खूब जम के अपनी मेहनत कीजिए, आगे निकलने की, बढ़ने की कोशिश कीजिए, जरूर होगा। इट सेल एडिट्स ये नाम है, इन्होंने लिखा है, किसी ने मेरी मदर को बोला है नेवर लिव इन साउथ फेसिंग होम, क्या ये को रेंट पे दे दें? देखिए आपको क्या करना है, पीले रंग का कपड़ा अपने मेन डोर पे लगाइए और एक पीले रंग का झंडा यदि पॉसिबल हो सके तो वो लगाइए, और हमेशा जैसे ही आप अंदर घुसें सामने आपकी इष्ट की कोई ऐसी तस्वीर टांग दीजिए जिस पे आपकी नज़र पड़े, और जब आप अंदर आए तो बाएं या दाएं जहां भी संभव हो सके वहां जो सेंधा नमक होता है ना, लाहौरी नमक जिसे कहते हैं, वो एक कटोरे में भर के रख दीजिए, या चाहे तो उसके लैंप्स भी आते हैं वो आप जला के रखिए, फिर आप रह सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कुकिंग किंग, किसी किसी नाम, कुकिंग किंग जी कह रहे हैं मेरे पिताजी को प्रॉब्लम है, इन्होंने बताए है, एक उपाय बता रहा हूं बस, ओम ऐम ह्रीम क्लीम नमस् चंडिकायै, रोजाना एक माला उनके नाम से जप कर लिया कीजिए और शनिवार को उनके हाथ से उड़द और सरसों के तेल का दान करा दिया कीजिए, परेशान मत होइए, वो ठीक हो जाएंगे। प्रदीप जे पूछते हैं, फिल्म या टीवी एक्टर बनने का, फेम प्राप्त करने का योग है या नहीं? रोजाना सूर्य की उपासना कीजिए, सीधे सीधे कोई योग नहीं है, मैं देख रहा हूँ उसको, सीधे सीधे तो कोई योग नहीं है,
लेकिन आप कोशिश कीजिए कि रोजाना गायत्री की एक माला का जप आप अवश्य कर लें, उसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में, थोड़ा जल, चावल जो साबुत चावल होते हैं अक्षत जिसे कहते हैं वो, थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल दें और उसमें सिंदूर डाल दीजिए या कुमकुम डाल दीजिए, लेकिन ये केमिकल वाला ना हो, प्योर हो बस, और इसे सूर्य को जल दीजिए और रोज़ाना आप ये उपाय कीजिए, प्रभु ज़रूर सुनेंगे और आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ये करना पड़ेगा। अनुराग जी पूछते हैं, अपने बिटिया का जन्म समय आदि दिया है इन्होंने, देखिए क्या करना है, भेड़ का घी लेके चेहरे की मालिश करनी है ऐसे 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 सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये इस तरीके से मालिश करनी है, लंबा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे और आयुर्वेद इसमें बहुत कामयाब है, तो आप अच्छे आयुर्वेद आचार्य की भी सलाह ले सकते हैं। अर्पिता जी ये झारखंड से हैं, नहीं दुमका, हाँ दुमका झारखंड से हैं, रोका होकर टूट जाता है, अरे एक बार आप कुंभ विवाह करा लीजिए, एक बार कुंभ विवाह कराइए, रोज़ाना काले कुत्ते को आप 31 दिनों तक या 43 दिनों तक, 43 कर लीजिए, कुछ ज़रूर खिला दिया करें, बस ये कीजिए, उसके बाद नहीं टूटेगा, पक्का ये ज़रूर कर लीजिएगा। टी के अग्रवाल जी पूछते हैं, माय वाइफ इज वर्किंग विद योर सोशल सर्विस इनिशिएटिव ऋषिकुलशाला, अरे वाह वाह वाह, इनकी जो जीवन संगनी है वो ऋषिकुलशाला में कार्य करती हैं, सेवा देती हैं, धन्यवाद आपको कि आप उन्हें कोऑपरेट करते होंगे इसलिए सेवा देती हैं। मेरी डॉटर की मैरिज के बारे में बताइए, ये डॉटर की मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। दो हजार पच्चीस में मैरिज कीजिएगा, 27 फरवरी से एक अच्छा समय शुरू हो रहा है 2025, और उससे उस वो समय ऐसा है जिसमें ये विवाह होगा, तो निश्चित रूप से फलदायी सिद्ध होगा, ठीक, उसके पूर्व कोई और ऐसा अच्छा योग बन नहीं रहा है। राजहंस जी, राम राम गुरु जी, आपका बहुत साधुवाद, अपना आशीर्वाद बनाए रखे हम सबके ऊपर, मैया बहुत कृपा करे आप पर, बहुत कृपा करे, आप खूब बड़े आदमी बने, खूब बढ़िया बढ़िया काम करें और आगे निकलें। रौनक शर्मा जी का ये क्वेश्चन है, हर हर महादेव गुरु जी, ममता डेट ऑफ बर्थ दी है, इवनिंग राजस्थान, डिवोर्स हो चुका है, प्लीज़ हेल्प। देखिए इस केस में 2025 में विवाह का एक योग बनता है, ठीक है, मार्च अप्रैल उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच, तो आप उस समय का वेट कीजिए और एक चांदी का छल्ला कनिष्ठा में ये धारण करें और अर्निंग पर फोकस करें, जब उपयुक्त समय आएगा तो विवाह हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये सर्कल कर जाएंगे। मैं जानता हूँ लेट है लेकिन मजबूरी है, क्या करें, ठीक, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ऋतुजा चौधरी जी, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ टाटा झारखंड, इसका हेल्थ कैसा रहेगा, डिस्टर्ब है, वीकनेस है इस बच्चे को, वीकनेस है और साइनसाइटिस ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा, और उसके साथ साथ इनको कोल्ड की प्रॉब्लम जब भी हो तो कृपा करके उपयुक्त इलाज करवा लीजिएगा शीघ्र अति शीघ्र। आयुर्वेद में भी इसका इलाज है, होम्योपैथी में भी इसका इलाज है,
परमानेंट इलाज है एलोपैथी, जो पैथी आप चाहें आप वो करवा लीजिएगा, उससे ये ठीक हो जाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। और एक छोटा सा काम इनको ये जरूरी, पपीते के पत्तों का काढ़ा वो जरूर पिला दिया कीजिएगा, बस ये उपाय कीजिए ठीक होंगे। तो जो मैंने आज आपको उपाय बताए हैं आप जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, जो मैंने आपको व्यवहार में परिवर्तन करने को कहा है ग्रहों के अनुसार वो जरूर कीजिएगा। प्रभु आपको खुश रखे, आपका जीवन सफल हो, आप सुखी हो, स्वस्थ हो, इस कामना के साथ राम राम नमस्कार, भारत माता की जय। और जो आश्रम की मुहिम है इनमें आप जरूर जुड़िएगा। एक मुहिम है प्रोजेक्ट यूपीएससी, जिसमें गरीब बच्चों को हम यूपीएससी यानी आईएसपीसीएस कैसे बन सकते हैं इसकी तैयारी भी कराते हैं, उससे भी आप लोग जुड़िएगा। उसमें और बच्चे भी आकर बैठे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब सुखी रहे इस कामना के साथ राम राम नमस्कार, भारत माता की जय। आज मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, शादी तो आपके यार की भी होगी। हाँ भाई, शादी का सीजन जो है खूब इनविटेशंस आए भी होंगे और आपने बांटे भी होंगे। शादी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इस इनविटेशन कार्ड का क्या करोगे? फ्रेम करा के दीवार पर टांगोगे? अरे नहीं रे भाई, फाइल में लगा के रखेंगे या फिर तिजोरी में रखोगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग शादी के कार्ड को कूड़े में ही फेंकोगे। अब शादी के कार्ड पर भगवान की फोटो लगाने से उनकी कृपा मिले या ना मिले ये तो पता नहीं, लेकिन उन्हें फेंक देने से पाप जरूर मिलेगा। शादी के इस सीजन में खुद भी याद रखें और दूसरों को भी याद दिलाएं। जब हम करेंगे अपने भगवान का सम्मान तभी यीशु करेगा उन्हें प्रणाम।